चलते हैं शहस्त्र धारा, देखते हैं कितनी क्या कैसी भीड़ है। पहले चाय पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं। शहस्त्र धारा जाने का प्लान हुआ था लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही है, यहाँ पे रिजॉर्ट में ही फंस गए हम, आधे घंटे से बारिश हो रही है। तो अब शहस्त्र धारा जाएंगे, वहाँ पे भीड़ भी बहुत हो चुकी होगी और ठंडा पानी आ रहा होगा। तो स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपने इस व्लॉग में। इस व्लॉग में हम घूमेंगे ऋषिकेश के एक ऐसे झरने पर जहाँ पर आप सभी का जाने का बहुत मन करता होगा। पहुँचते ही हमें मिलता है क्या कि इतनी भीड़ है कि हमें पार्किंग के लिए जगह ही नहीं मिलती, फिर भी जैसे तैसे हम पार्किंग कर देते हैं और आगे चलते हैं। गाइस फाइनली हम शहस्त्र धारा आ चुके हैं, नीचे चल के दिखाते हैं आपको भी, इसका व्यू बहुत ही मस्त है। पार्किंग से आगे चलते ही हमें दिखता है कि यहाँ पर तो मार्केट में आ गए हैं हम, मार्केट ही दिखती है हमें, नीचे जाने का कहीं रास्ता ही नहीं दिखता। इधर उधर दोनों तरफ दुकानें सिर्फ खेलने के लिए, लगता है कि हम गन शूटिंग के लिए ही आए थे। फिर भी लोगों से हाय हेलो करते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि लेफ्ट हैंड पे जितनी भी दुकानें हैं उनसे ही नीचे जाया जाएगा, तो हम भी उससे थोड़ा नीचे जाते हैं। आपको भी ये प्लेस बहुत ज़्यादा खाली खाली सी लग रही होगी, ऐसा लग रहा होगा कि ये फेमस कोई जगह नहीं है। पर यहाँ नहाओ और यहाँ चेंज कर लो। इट इज ऑल अबाउट द व्यू एंड यू कैन लुक। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है भाई, मत नहाओ, बहुत ज़्यादा सर में दर्द। वैसे असली सर में दर्द तो इसके बाद हुआ था, तपस्या करने के लिए तपस्वी की तरह ऐसे जल में बैठ गए थे जैसे कि हमने यहाँ पे समाधि ही ले ली हो। इधर आगे भी गए थे, आगे झरना है, बहुत ही अच्छा व्यू है लेकिन भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, फैमिली लायक नहीं है तो हमने सोचा यही ना लेते हैं। वैसे यहाँ के तो लग ही रहा होगा कि हाँ एक कुछ फेमस सी जगह है, इतनी भीड़ थी यहाँ पर कि हमें नहाने के लिए सही से एक जगह ढूंढनी पड़ी। बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद भी हमें एक थोड़ी सी जगह मिली गई जिसमें एक कोने में खड़े होकर मैंने शावर ले ही लिया। ठंडे पानी में नहाने के बाद थोड़ी सी मैगी गर्मा गर्म। अब इतनी दूर आए हैं तो थोड़ी सी शॉपिंग भी कर ली जाए। शॉपिंग में हमने क्या ही खरीदा, कुछ लकड़ी के टुकड़े, वैसा आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। एंजॉय करने के बाद जा रहे हैं हम शिवपुरी, यहाँ से लगभग 2.25 घंटे का रूट है, जाम मिलेगा थोड़ा सा बीच में, लेकिन पहुँच के वहाँ पे रिजॉर्ट है उसमें देखते हैं, एंजॉय करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद और मुझे शाबाशी देते हुए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वैसे ज़रूरी है सब्सक्राइब करना अगर आप ऐसे ही कॉन्टेंट और चाहते हैं।